वेलकम टू द चैनल क्रिप्टो लर्न एंडर। आज हम सीखेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग में शॉर्ट और लॉन्ग करना। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। लॉन्ग का तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था और शॉर्ट का भी आपको पता, लेकिन मैं जिनको नहीं पता वो या तो आई बटन में वीडियो देख लें, नहीं तो मैं इसको आपको बताता चाहता हूँ। थोड़ा सा शॉर्ट ये होता है कि जब बिटकॉइन डिप कर रहा होता है, जब नीचे आ रहा होता है, ये देखें जैसे ये चल रहा है और धड़म से नीचे, तो अगर यहाँ पे आप पोजीशन बनाते हो कि आप यहाँ पे कहते हो कि इससे नीचे जाएगा ही जाएगा, तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो। शॉर्ट में ये होता है कि डिप में आ रहे हो तब भी पैसा कमा रहे हो, ऊपर जब ऊपर जा रहा है लॉन्ग कर रहे हो तब भी पैसा कमा रहे हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे आज, छोटा सा आपको मैं डेमो दे देता हूँ कि शॉर्ट करना कैसे है। सिंपली आपने अगर बाइनेंस पे अकाउंट ही बनाया तो वीडियोज़ देखें, और जो मेरी पुरानी वीडियोस अपलोड हुई हुई हैं पूरे का पूरा मेरा एक प्लेलिस्ट है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें और लाइक भी कर लें। ठीक है जी, लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आ जाना है अपने एम फीचर के अंदर, ठीक है जी, यूएस बाइनेंस फीचर्स में। और आपको मैंने कल जो था 5 पॉइंट्स बताए थे जो आपने करने से, सबसे पहले जो था पॉइंट था वो ये था कि आपने जो है एंट्री प्राइस लिख लेनी है, अपनी एग्जिट प्राइस लिख लेनी है, और आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो देख लेना है, आपने अपनी लिक्विडिटी कैलकुलेट करनी है, आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम देखते हैं जी हमने एंट्री कब लेनी है। ये ज़रा ओपन हो जाए चार्ट, ओपन इसका चार्ट हो गया। जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट मारा है वो कमाल कर गए हैं, लेकिन इस टाइम ये शॉर्ट की पोजिशन में नहीं है क्योंकि बिटकॉइन के हालात आज बहुत ख़राब हुए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग यहाँ से शॉर्ट करना शुरू करते हैं, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक, उम्मीद है यहाँ तक जाए, ये है ना यहाँ, और अभी फिर रहा है इधर, अभी इधर फिर रहा है, तो हम 15 मिनट के चार्ट के अंदर जो है ये इसकी सपोर्ट है, ये जो है इधर ऊपर जाता है तो यहाँ रेजिस्टेंस बनती है। चलिए आ रहा है सही जो है इस टाइम 35-38 से फिर रहा है, तो उम्मीद है ये नीचे ही जाएगा इधर से, उम्मीद करते हैं। लेकिन ये देखें यहाँ से ऊपर भी गया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हम एम्प्री एंट्री लेते हैं 33,571 पे, हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। हमने करना है शॉर्ट, लेवरेज लेनी है हमने मैक्सिमम 4x, बस ज़्यादा नहीं लेनी। हो जा यार, फाइव एक्स, ठीक है जी। एंट्री प्राइस हमारी है 33,540 हमारी एंट्री हो गई, और एक्सिट हमने करना है 32,900 पे हम जो है ना, पहले मैं देखना चाह रहा हूँ दोबारा ये किधर जा सकता है इसकी जो है, तैतीस हज़ार पे बस करते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाते। स्पोर्ट्स तो हैं इसकी, स्पोर्ट इसकी वैसे ये है 32,700 पे हम लोग जो हैं जाएंगे मैक्सिमम 33,100 तक, ठीक है। कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं, हमने करना है शॉर्ट, यहाँ से शॉर्ट पे क्लिक कर लेना है आपने, और यहाँ से जो है लेवरेज हमने मिनिमम रखना होता है 4x। 33,500 से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, और जो मेरी एग्जिट प्राइस है वो है 33,100। क्वांटिटी मेरे पास है 0.002, कितने होते हैं वो मैं अभी देख के बताता हूँ आपको। तो USDT टू BTC कन्वर्टर मैंने तो यही रखा हुआ, बाकी आप लोग अगर ज़हीन फ़हीन है तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। ये USDT हमारे पास हैं जी 200, कन्वर्ट करो 0.01 कर देते हैं, ठीक है जी। मतलब 200 मल्टीप्लाई बाय 4 विंडोज RCLC क्या है जी हमारे पास, $200 हैं, 4x हमने लिया मल्टीप्लाई बाय 4
इक्वल टू $800 हो गया हमारे पास। हम कैलकुलेट करते हैं, $800 पे जो है हमें जो है 4 USDT जो है ना प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि लेवरेज कम है हमारे पास, तो ये हमें फ़ायदे में है। कैलकुलेट हो गया, ये प्रॉफिट एंड लॉस है आपका। अगर ये ऊपर जाता है तो लॉस, ऊपर जाएगा तो आपको लॉस होगा, नीचे आना चाहिए फिर प्रॉफिट है आपका, ठीक है। अगर यहीं से मैं आपको लॉन्ग की तरफ भी ले जाता हूँ, अगर हम लॉन्ग करना चाह रहे हैं सेम के साथ, तो यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगी। हम कहते हैं 33,430 पे मेरी एंट्री है, और मैं ये कह रहा हूँ ये जाएगा 34,000 तक। सेम 200 USDT हैं, फॉरेक्स लेवरेज है, यानी 800 कैलकुलेट कर लेते हैं, 3400 तक नहीं जाएगा यार, 34,000 तक जाएगा, तो मैं 5 USDT बच जाएंगे। ये इंटरडे ट्रेड होती हैं, मैंने 15 मिनट के चार्ट में खोली हुई है, तो यूँ आपने कैलकुलेट कर लेना सिंपली। आपने यहाँ आना है, अब जो है आपने जो ट्रेड लेनी है यहाँ से क्रॉस ख़त्म करके, यहाँ से आपने करना है इसको आइसोलेटेड। कन्फर्म कर लें, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ठीक है जी। हम जो है ना ट्रेड लेके दिखाते हैं, आइसोलेटेड कर लेना। यहाँ से हमने क्या बताया आपको मैंने, मिनिमम फॉरेक्स करें, कन्फर्म करें, ठीक है जी। प्राइस जो है हमारी, हमने जो लिमिट चल रहा है मार्केट कर लेते हैं। साइज़ जो है 0.01, ठीक है जी। और जब आपने शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। सेल शॉर्ट करेंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, मतलब वैल्यू फिर नीचे जानी चाहिए, जैसे ये स्टार्ट हो गई जाना नीचे, तो हम सेल शॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो सेल शॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि प्राइस अप जाएगी तो आप बाय लॉन्ग करोगे, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है आप कहते हो कि टेक प्रॉफिट मार्केट प्राइस पे लेना है और स्टॉप लॉस हमने मार्केट पे नहीं लेना, हम लिमिट करेंगे इसको, ठीक है जी। यहाँ से भी लिमिट करो भाई, इतने पे बाय किया, उसके बाद टेक प्रॉफिट, यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे जी। जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा भला, 33,590 पे हम एंट्री ले रहे हैं, हम कहते हैं जी 33,100 तक ये जाएगा, तो हमारा टेक प्रॉफिट लगे हम ट्रेड से बाहर आ जाएं, और स्टॉप लॉस हमने लगा लेना है 33,590 है, तो हम लगाएंगे 33,450 का स्टॉप लॉस, ठीक हो गया। उसके बाद सिंपली हम करेंगे सेल शॉर्ट, जैसे सेल शॉर्ट करेंगे हमारा जो है ऑर्डर लग जाएगा, और जैसे ही वैल्यू 33,100 पे आएगी, हम शॉर्ट कर रहे हैं ना, 33,500 से 33,100 पे आपको $4 प्रॉफिट में आप ट्रेड से बाहर आ जाओगे। इसी तरह जब हमने लॉन्ग करना है, लॉन्ग में हमने 33,590 पे प्राइस ली हमने अपनी, मतलब एंट्री लेनी है, और हम कहते हैं टेक प्रॉफिट हमने करना है 33,500 पे, जब हमारी एंट्री है तो हम कहते हैं 33,900 पे टेक प्रॉफिट, और स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस हमारा लगना चाहिए, हम क्योंकि लॉन्ग कर रहे हैं अब 33,590 है, तो हम नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब हम ब्रेक प्रॉफिट लेंगे इसका 33, पहले जो है ना मैं आपको गलत बता रहा हूँ, यहाँ पे सेल शॉर्ट में जो था ना, सेल शॉर्ट में हमने वो वैल्यू देनी थी जैसे हमने शॉर्ट पहले करने लगे थे, हम 33,590 पे शॉर्ट जब करेंगे तो प्रॉफिट हम लेंगे अपना 33,100 पे, और स्टॉप लॉस जो लगेगा वो लगेगा 33,620 पे, क्योंकि जब ऊपर जाएगा तब हमने अपना पैसा निकाला ना, हम ज़्यादा नुकसान में आ जाएंगे शॉर्ट जो कर रहे हैं। जब लॉन्ग करेंगे तो उसी हिसाब से, लॉन्ग में हमने नीचे नहीं आने देना, मतलब 33,590 है, तो जैसे ही 33,450 पे आए हमारा स्टॉप लॉस जो है एक्टिव हो जाए, और हम ज़्यादा लॉस से बचे बगैर बच के कम लॉस में बाहर आ जाएं, मतलब $1-2 नुकसान में हो तो बाहर आ जाएं। और जब यही वैल्यू 33,590 जब लॉन्ग कर रहे होंगे ऊपर जाएगी, तो 34,000 पर हम प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएं, और बाय लॉन्ग करेंगे तो ये खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ये तरीका है शॉर्ट और लॉन्ग करने का, ठीक हो गया। और जो आपका वॉलेट है वो यही है, इसी वॉलेट में पैसे आपके रहेंगे, फिर आपने यहाँ से जो है ना ले जाने, ट्रांसफ़र कर लेने अपने स्पॉट के अंदर,
अगर यहीं पर रहने देंगे तो कोई इशू नहीं है, ओके रहेगा काम। ये BTC की हालत है आज की। ठीक है जी, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।